आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों तथा 1500 रोड ओवर ब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण किया गया। इस विषय पर आज दक्षिण मध्य रेलवे विभाग का इतवारी रेलवे स्टेशन पर, साथ ही मध्य रेलवे विभाग का मखर डोकरा में आयोजित किया गया था। खास बात यह है कि अब इतवारा रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा। सरकार ने इतवारा स्टेशन का नाम बदल दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन में इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर उपस्थित नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। उन्होंने इस कार्य से जुड़े सभी को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। नागपुर लोकसभा क्षेत्र के SECR रेलवे जोन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है, जिसका आज प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास हुआ है। इस जोन में 19 ओवरब्रिज अंडरपास का कार्य भी प्रगति पर है। इतवारी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 12.39 करोड़ रुपए की लागत से सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, उद्यान एवं भूदृश्य, स्टेशन बिल्डिंग का नया आकर्षित स्वरूप, कार पार्किंग के लिए बड़ी जगह तथा सुविधा, हाई मास्ट लाइट, चित्रकारी और स्थानीय कलाकृति, भुवनेश्वर मॉडल शौचालय और CCTV जैसे पुनर्विकास कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास के कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र में 240 स्टेशन रोड ओवरब्रिज अंडर पास का कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 2274 करोड़ है। इस वर्ष रेलवे बजट में महाराष्ट्र को रिकॉर्ड 15,554 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें 56 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। नागपुर मंडल में इस योजना के तहत 15 अमृत स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 222 करोड़ है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में लगभग 12 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंडल के विभिन्न खंडों पर कुल 64 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का भी शिलान्यास, उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की राह पर है। आज के इस शिलान्यास से नागपुर के साथ पूरे देश में विकास के नए पर्व का शुभारंभ हुआ है, जो करोड़ों लोगों के जीवन को छुएगा। पूरे देश में जिस तरीके से विकास की गति 2014 में मिली है और लगातार देश का नाम विकसित भारत के रूप में अभी अपन सब लोग देख रहे हैं। देश तो एक मोदी जी की तारीफ कर ही रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां उनका गर्व उसी के साथ भारत के पत्र प्रधान का स्वागत, यानी 140 करोड़ जनता का स्वागत भी अपन बड़े धूमधाम के साथ देखते हैं। अनेक जगह बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं। रेलवे का पूरा ढांचा भी धीरे धीरे बदलते जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पर रेलवे डिपार्टमेंट को निधि उपलब्ध करा देने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर यहाँ पर किया है और इसलिए अपन इतने साल से सभी रेलवे स्टेशन को अपन देख रहे हैं, लेकिन इन 5-10 साल के अंदर जो रेलवे की गति जो बढ़ी है, रेलवे के काम की गति जो बढ़ी है, उनकी कितनी भी तारीफ की जाए उतना कम होगा।
देश में रेल विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना से यात्रियों को न केवल आधुनिक और सुलभ सुविधाएं मिलेगी बल्कि क्षेत्र के विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।